चैलेंज पूरा कर दिया था। अति थी कितना काम कर रहा है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सभी अपना ध्यान रखें, छोटे बच्चों का और बुज़ुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के ही निकले और बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें, है ना सुनो, है ना। तो भाई अभी टाइम हो गया है 7:30 और आज सोमवार है और तारीख है 2 मई। और सिनोए उठ के आ गया है, सिनोए ने थोड़ा सा दूध पिया अभी और मैंने पूजा उजा कर ली है अपनी और आज चाय नहीं पी है। मैं आज लेट उठी हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा खांसी आई और सो नहीं पाई। रात को सोई थी मैं 2 बजे के बाद और उसमें भी उठ गई थी 2-3 बार। देखो ये क्या कर रहा है, देखो देखो देखो, क्या देख रहा है इसमें। राधे राधे, जय श्री श्याम। ओ उसने मेरे हाथ जोड़ दिए हैं, जय श्री श्याम। ये पूजा तीनों टिफिन रेडी करके पैक करके और चली गई है तैयार होने। और ये यहाँ पे चाय बन रही है, चाय बना रही है विनीता। विनीता का प्रैक्टिकल है आज, इसके प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। और ये अभिषेक, इसका है आज पेपर, कौन सा पेपर आज? हिंदी। आज इसका हिंदी का पेपर है, 1st 12th का। इसको देखो, साहब परले घर से पूजा की स्कूटी ले आए हैं, स्कूटी वहाँ खड़ी होती है परले घर। और ये कैसे अपने दादा की तरफ ना पकड़ा है, इतनी सारी चीज की चाबी ले चप्पल लेकर चाबी लेके जाते हो, सब चप्पल लेके आते हो, सही है। अभिषेक चला गया है और ये देखो इस लड़की को देखो, फूलबाजी के कपड़े ही ना ले आए, फैशन। तो भाई सारे चले गए हैं आज, तो सिनोवे के दादा भी चले गए हैं अभिषेक का पेपर दिलवाने, तो आज दोनों दादी पोता हैं सिनोए, सबको बाय बाय करके आ गया सिनोए। और आज मैंने अपने आप से एक चैलेंज किया है तो देखते हैं वो चैलेंज मैं पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। जो भी करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहें वीडियो में और देखें और बताएं मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का, जो भी मैंने अपने आप से चैलेंज किया है अगर पूरा होता है तो वेल डन गुड, नहीं तो देखते हैं क्या होगा। तो ये है मेरा आज का टारगेट। आज मैंने सोचा कि ये सूट काटूंगी और ये सील के और शाम को शादी में पहन के जाऊंगी, तो पर सुनोए सो गया है, लेकिन सो नहीं रहा है, ये बार बार उठ रहा है, कुछ करने नहीं दे रहा है मुझे। तो टाइम देख लो, अभी हो गए हैं 10:10 होने वाले हैं। इसको मैं अभी कटिंग करने लगी हूँ, देखती हूँ। ये इनर है, इसका दो दिया है मैंने, धोने के बाद सूख गया ये, इसको अभी प्रेस करूँगी और इसका मैं बनाऊँगी चौड़ा प्लाजो। तो चौड़े प्लाजो की कटिंग मैंने पहले डाली हुई है पूरी डिटेल में, इसमें मैं एक दो टिप्स बताऊँगी, तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो देख लेना। जो बीच में से खींचते हैं प्लाजो और जो पीछे से उठते हैं उनके बारे में ये दो टिप्स मैं इसमें बताऊंगी। बाकी मैंने पूरी कटिंग एक डाली हुई है ब्लैक प्लाजो की, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। कमीज़ की कटिंग हो गई है और प्लाजो का कपड़ा प्रेस करके और ऐसे बिछा लिया मैंने 4 तह में। पहले इस तरफ से इस तरफ किया मैंने इसको 2 तह और फिर ऐसे बिछाया, ये देखो 2 तह ये है और 2 तह ये है। अभी इसके निशान लगा लेती हूँ मैं। और सिनोए को देखो क्या कर रहा है, ये
ये बड़ा काम कर रहा है गाड़ी में बैठ के, सो के उठ लिया ये, और आज सुबह नहीं किया इसने बड़ा काम, अभी कर रहा है ये यहाँ बैठ के। हाँ तो ये प्लाजो मेरा कटिंग हो गया है, देखिए इसमें मेरे को जो बताना, जो नीचे खींचता है ना बीच में, उसका कारण होता है, मेन कारण होता है आसन, और जो पीछे से उठता है उसका ये कारण होता है। ये देखिए, ये हमारा मेन जो नाप है वो यहाँ से है, और ये इतना बड़ा मैंने किया है, तो ये सिर्फ पीछे वाला पल्ला रहेगा, और इधर से ये बिल्कुल बंद है, तो इसके कैसे, इसको मैं कैसे करूँगी वो भी बताऊँगी। आसन मैंने कितना लिया है वो बता देती हूँ, जितनी हमारी लेंथ है ना प्लाजो की, चाहे आपकी 38 है, 36 है, 40 है, 40 तक का, तो अपनी जितनी तैयार लेंथ है उस लेंथ का चौथा भाग निकालना है आपको, और उसमें 2 इंच प्लस करने हैं। जैसे कि मेरी लेंथ 40 इंच है, 40 इंच, और 40 इंच का चौथा भाग 10 इंच है, और 2 इंच प्लस करके, तो मैंने ये 12 इंच लिया है आसन, यहाँ से लेके और यहाँ तक 12 इंच मैंने आसन लिया है ये, और पीछे वाला ये 3 इंच बड़ा लिया है, और जो ऊपर नेफा लगेगा, इलास्टिक या नाड़ा जो भी आपको डालना है वो ऊपर अलग से लगेगा। तो ये मैं अभी काट के दिखाती हूँ आपको, इसको इस तरह से खोल के और आसन से आसन मिला लेने हैं, जैसे कि हमको यहाँ से सिलाई करनी है, उसी हिसाब से बिल्कुल इसको अच्छे से सेट कर लेना है, ये देखो। और एक तरफ का ये हमको जो सीधा निशान मैंने लगाया था ना, ये वाला, ये बिल्कुल सीधा निशान है, इसको कट कर देंगे और ये ऐसे ही रहेगा, तो वो उधर से पीछे वाला आसन हो जाएगा और ये हो जाएगा आगे वाला। तो इसको मैं काट के दिखाती हूँ अभी, ये देखिए ये मैंने काट दिया है, ये हो गया हमारा आगे वाला आसन, और ये पीछे वाला जो है ये कटिंग किया नहीं है, ये बड़ा हो गया, तो ये हो गया पीछे वाला। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, इस तरह से जितने भी प्लाजो मैंने काटे हैं ना, कोई भी नहीं खींचा है। ये देखिए, ये प्लाजो है मेरा एक ब्लैक, बहुत पुराना है, ये इसी तरीके से कटा हुआ है, और मैं अपने प्लाजो हमेशा नाड़े वाले बनाती हूँ, तो देखिए इसमें ये अलग से जुड़ा हुआ ब्लैक है ना, साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ये नेफा अलग से जुड़ा हुआ है, और जो भी प्लाजो इस तरीके से निकटते हैं ना उसी में गड़बड़ हो जाती है मेरे में, तो इसलिए मैंने आज ये इस तरीके से काट कर सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर करेंगे सिलाई। इसने अपने सारे काम कर लिए, नहाया नहीं है ये, अभी नहीं नहाएगा, और ये अब थोड़ा लेट नहाने लगा है आजकल, तो इसको नहलाऊंगी 12 बजे के बाद। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ए सुनो क्या कर रहा है बता दे, क्या कर रहा है, अति दादी कुछ तो बता रहा है, क्या बता रहा है पता नहीं है। ये प्लाजो का इनर मैंने धुलने के लिए डाला था, इसमें सूखने के लिए, चलो इसको प्रेस करके और इसकी कटिंग कर लेती हूँ प्लाजो में इनर लगाने के। क्या कर रहा है ये, देखो देखो भाई इसको कितना काम कर रहा है ये, हे देखो। ये एक ये पॉलोथीन और एक ये साड़ी उस पन्ने में थी, पॉलोथीन में जो येलो उसके पास, और इस स्टूल के ऊपर रखे हुए थे, और इस चुनने की भी तय करके मैंने वहीं रखी हुई थी, देख लो इसको है, पॉलोथीन को पकड़ के और साड़ी को वहीं छोड़ाया, खाली कराया और लेके सब कुछ आ गया। ये सुनो, ये इतना काम करेगा तू, दादी का इतना काम करेगा अब तू। और ये देखो इधर क्या क्या करता है ये, लो जी मैंने ये अपना चैलेंज पूरा कर दिया था, लेकिन मैं इसको पहन के नहीं जा पाई, बस बिल्कुल रेडी है ये, फिटिंग विटिंग सब कुछ सही है, प्रेस भी हो गई और मैंने पहन भी लिया था, लेकिन इसमें मुझे लगी गर्मी और इसको मैं चेंज करके गई फिर, और मैं वहाँ से कोई वीडियो भी नहीं बना के ला पाई, शादी की मैं कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई। तो अब ये सूट देखो, मेरा सूट बताइए ये कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके, बुरा लगा हो तो भी बता देना कमेंट करके। तो और ये देखो, ये इस तरह से आसन पीछे वाला इसका बड़ा हो गया, और ये प्लाजो की फिटिंग एकदम परफेक्ट, और सूट की भी। और ये देखो एक चीज़ और दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये अभी तो टेबल पर पड़ा था सूट, यहाँ कैसे टंग गया एकदम से, तो ये है विनीता का सूट, और ये हमारा दोनों माँ बेटी का सेम सूट है,
तो ये सेम सूट पहन के जाने का प्लान किया था मैंने और पहन के जा नहीं पाई, तो कहीं किसी और दिन पहनेंगे तब दिखाऊंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर आज की वीडियो इतनी ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक और नए व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय।